इधर जबलपुर में निगम सत्ता में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए सियासी खेल शुरू हो गया है। बुधवार को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसलिए सभी 45 विधायकों को 24 घंटे पहले ही होटल में शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें, नगर निगम में कुल 79 वार्ड हैं, जिसमें से बीजेपी के 45 और कांग्रेस के 26 पार्षदों के साथ कुछ निर्दलीय भी जीते हैं। बता दें आपको, जो संख्या है पार्षदों की, वो आपको हम संख्या बता रहे हैं। बीजेपी के पार्षद ज्यादा हैं, बीजेपी के 45 तो कांग्रेस के 26 पार्षद। अध्यक्ष पद के लिए 40 पार्षदों की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। नगर निगम चुनाव में हार जीत के बाद अब जहां एक और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह सामने आया, अलग शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अलग शपथ ग्रहण समारोह शामिल किया। अब बात आती है दोनों ही दलों में अध्यक्ष पद की रेस को लेकर, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खासी डरी हुई है, जिसकी वजह से उसने इस आलीशान होटल, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस आलीशान होटल में तमाम जो पार्षद जीत के आए हैं, लगभग 46 पार्षद हैं, उनको इस आलीशान होटल में बाड़ेबंदी करके रख दिया है। यहाँ पे ये पार्षद पिछले 24 घंटे से इसी जगह पर है और कल, जैसे कि 10 तारीख है और कल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और अध्यक्ष पद के लिए खासी मशक्कत दोनों ही दल यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ने अपना सेफ साइड करते हुए यहाँ पर बाड़ेबंदी कर दी है कि कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो। बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष उन्हीं का बने, क्योंकि नगर निगम सदन में पार्षदों की, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, उनकी संख्या कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। बहरहाल कल देखना होगा कि आखिरकार अध्यक्ष कौन बनाने में कामयाब होता है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और इधर देखिए, बीजेपी की इस बाड़ेबंदी पर कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस के ही नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि बाड़ेबंदी तो जानवरों की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जनता बीजेपी को समझ चुकी है। होती है बाड़ेबंदी, तो मैंने सुना था कि वो जानवरों को पकड़ने के लिए की जाती है, बाड़े में बंद करके रखा जाता है। ये जबलपुर का संस्कार नहीं और कल्चर नहीं है। आपसे बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि हम तो एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, 2023 के चुनाव का इंतजार हम कर रहे हैं कि चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देश में है। पर अगर सबसे ज्यादा अधीर होकर और बेचैन होकर कोई इंतजार कर रहा है चुनाव का कि 2023 का चुनाव हो, तो वो मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन से मुक्ति चाहती है। इनका कोई प्रयास सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता की अदालत से फैसला आएगा और पुनः एक बार सेवा करने का मौका कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को दी।